लेडीज पुढे मुंबई के गोरेगांव स्थित मुरली उपाध्याय चाल विश्वेश्वर नगर में वहां के रहवासियों के बीच एसआरए के मुद्दों पर अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली। इस एसआरए के तहत साई मुरली रहवासी की ओर से औद्योगिक क्षेत्र सहकारी गृह निर्माण के बिल्डर को काम दिया गया था। किसी कारणवश बिल्डर द्वारा काम करने से मना करने पर मुरली रहवासी के लोगों द्वारा इस एसआरए के लिए नए विकासक धारीवाल कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यह काम सौंपा गया। इस दौरान वहां के इस एसआरए से जुड़े उपाध्यक्ष श्रीनिवास जी का कहना था कि वो ऐसा है जो चामुंडा बिल्डर और जो नया कंपनी का जो चीफ बनाया है चीफ प्रमोटर केतन पवार, वो ऐसा हम लोग को अफवाह मेरा नाम पे अफवाह कर रहे हैं कि चामुंडा से तुमने 3 करोड़ लिया है और इसीलिए तुम्हारा प्रोजेक्ट ठंडा हो गया है। सभी मेंबर को सभी सभासद को ऐसा भटका रहे हो, गुमराह कर रहे हैं कि उनके पास कंप्यूटर नहीं है, मेंबर नहीं है, तो मेंबर को नजीक करने के लिए हम एक कंप्यूटर को दबा रहे हैं। क्या नहीं इससे पैसा खाया है, पैसा लिया है, जब 4 करोड़ का सौदा ये चामुंडा ने किया है तो 3 करोड़ हमको ऐसे देगा। 14 पूरा प्लॉट का 5140 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, उसका सौदा हुआ है 4-4.5 करोड़ का और 3 करोड़ मुझे देगा, लेकिन मेरा नाम का वो लोगों को धमका रहे, फंसा रहे, गुमराह कर रहे हैं कि कंप्यूटर ने पैसा खाया है। मैंने डायरेक्ट पूछा उसको, अरे केतन क्या तू कर रहा है, बोले तुम्हारा नाम लिया मैं तो कंप्यूटर का ले रहा हूँ, तो कंप्यूटर को भी देखा तुमने, क्यों झूठ बोला सबसे। फिर हमने प्रवीण कोठारी से मिला, डायरेक्ट प्रवीण कोठारी एक व्यापारी के पास आया था, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है कि प्रवीण बोला रवि भाई हमने बोला ही नहीं है, पैसे का बात ही नहीं हुआ है, वो झूठ मूठ बोल रहा है। तो बोला तुम आके सबके सामने बोलो हम मुझे बदनाम कर रहे हो, क्यों तो मैं गर्म होके कोई झगड़ा नहीं करूँ और झगड़ा करने के बाद ये प्रोजेक्ट रुक जाएगा, लेकिन मुझे वो करना नहीं है। मैंने बिल्डर को सामने बिठा के सबके सामने क्लियर करूँगा कितना पैसा लिया करके, लेकिन वो बाद में प्रोजेक्ट तो मेरा चालू होने दो, अभी झगड़ा करके प्रोजेक्ट रुक जाएगा, वो मुझे रुकाना नहीं है। इसी दौरान वहाँ के नगर सेवक स्वप्निल तेंदुलकर जी का कहना था कि स्थानिक नगर सेवक होने के नाते श्री साई मुरली रहवासी जो कमेटी है वो पिछले 10 साल से ये एसआरए में काम कर रही है और प्रामाणिकपणे वो काम कर रही है और उनके पास 90% लोगों की सम्मति है। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि शायद 3 महीने पहले एक बोगस कमेटी उन्होंने स्थापन की है, उसका नाम है श्री मंगल साई धाम। वो कमेटी ज़बरदस्ती लोगों को पैम्पलेट बांट के ज़बरदस्ती थ्रेट कर रही है कि अगर आपने सर्वे को नामंजूर किया तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे। और उनके सपोर्ट में ये चामुंडा जो डेवलपर है वो उनके सपोर्ट में आ रहा है, तो हम लोग का ऐसा है कमेटी का कहना है। और उसके बावजूद भी एक ताजुब हो रहा है कि कमेटी जो कमेटी बोगस कमेटी है वो एसआरए में स्कीम पास करने के लिए उनके पास 90% या 70% कंसर्न नहीं होने के कारण वो जो अनऑथराइज यानी वो साड़ी कंपनी है शायद 4000 स्क्वायर फुट कंपनी है उसमें पार्टीशन डाल के गाला बनाने का काम कर रही है। ऊपर से कोई रेसिडेंस है 15 से 20 जन रेसिडेंस है, उन्होंने 1 रूम का 2 रूम किया और इसके कारण वो एसआरए में स्कीम पुटअप होने के लिए ये सब बोगस अनऑथराइज काम ये लोग कर रही है। मैंने नगर सेवक होने के कारण अपना जो जाधव मैडम है वार्ड ऑफिसर और डीएमसी आचरेकर उनको कल ही फ़ोन किया, उनके साथ मैंने बातचीत की, उन्होंने इधर के ऑफिसर जो डीओ है हरलीकर उनको इधर भेजने का वो भेज रहे हैं और उनके तरफ से उनका सर्वे होने वाला है और जो अनौद्योगिक काम है उसका रिपोर्ट वो एसआरए को भेजने वाले हैं। और माननीय हम लोग के आमदार जो है सुनील प्रभु जी उनके पास भी ये सब लोग उनके पास गए थे, उन्होंने आज जो बायोमेट्रिक सर्वे होने वाला था उपजिलाधिकारी उनसे बातचीत की और ये बायोमेट्रिक सर्वे उन्होंने भी इधर रुकाया है और उन्होंने डीओ ने ऐसा आदेश दिया है सीओ ने ऐसा आदेश दिया है कि जो ऑफिशियल अनऑफिशियल है उसको निष्कासित करे, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। वहाँ उपस्थित रहवासियों का कहना था कि सर क्या कहना चाहेंगे जो आपकी जमीन पर कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो रही है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लोग इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे, क्या कहना चाहेंगे? साहब इंसाफ ही चाहिए सर, यहाँ पे देखिए जो गलत ढंग से हो रहा है उसे रोका जाए और हाँ और सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास इसके हैं। कितने सालों से आप यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पे तो हम तो समझ लो 50 साल से हैं, लेकिन हमारे पिताजी जो इन्होंने बनाया है
वो सन 40-42 के पहले से, जब भूअर नहीं थे कोई नहीं था उसके पहले से हम जैसी उसके पहले से हम इमला मालिक हैं, लेकिन बाद में हमें एग्रीमेंट करके मिला भूअर से पट्टा। फिर इसके बाद ये आज तक हम पट्टे जा रहे हैं, इसका टैक्स भर रहे हैं साल का साल, एनुअल टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ है। फिर उसके बावजूद भी लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। जो धोखाधड़ी हो रही साहब वही गलत है। एक एक रूम का 4 रूम बनाएंगे तो प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होगी? एक रूम देना भारी है, बिल्डर अपने लालच भर साइन कराने के लिए 4-4 मीटर लगवा रहे हैं चोरी से, जबकि उनका राइट नहीं है लगवाने का। अभी हमारा राइट है फिर भी वो लगवा रहे हैं, 6-6 रूम बनवा दे रहे हैं। तो डेवलपमेंट आज नहीं तो कल, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कैसे डेवलपमेंट होगा, ये ऐसे ही रह जाएगी। कौन से बिल्डर हैं, कौन डेवलप करने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पे बिल्डर चामुंडा आए थे बहुत पहले, उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं नहीं डेवलपमेंट करूँगा, तो हम लोग ने झाड़ी वाले को लाया। अब वो फिर बीच में आए 7 बरस के बाद, तो 7 बरस के बाद आए तो जो कुछ है वो कानून से करें। आप लोग कितने साल से विकास से वंचित हैं? विकास से साहब तो हम लोग पता नहीं 8-10 साल से वंचित हैं। 10 साल साहब मैं किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन जो सही है उसी सोसाइटी के साथ में जाना चाहता हूँ। अभी अभी लोगों को क्या इंसाफ दिलाने के लिए सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करूँगा जिसका जो है उनको जगह मिले, ये हमें नहीं है कोई नहीं पावे। जिसका दुकान है कंपनी है गाला है वो अपना पावे, लेकिन जितना मेरा बिल है उस बिल के आधार से उनको मिलना चाहिए। आपका नाम? योगनाथ मुरली उपाध्याय। आम्ही दादा किती वर्ष झाले, आमच्या आता चौथी पिढी आहे आमची इथे। काय म्हणणं तुमचं, काय मागणी आहे इथं? आमची काय मागणी आता हे जे बिल्डर आले त्यांनी आम्हाला घर द्यावं, आम्हाला आम्हाला घरासाठी आम्ही लढतोय, मला राहायला घर तर पाहिजे, आम्ही झोपडपट्टीमध्ये किती दिवस राहणार? याप्रमाणे इथे इलिगल स्ट्रक्चर बनवत आहेत पाथरकल्लासाठी, तुमचं काय म्हणणं आहे? कॅमेरामॅन विजय के साथ विक्रम सिंग पुंडीर, SCN TV न्यूज, गोरेगाव।